नमस्कार प्रणाम आप सभी को, मेरा एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गर्व पर। दोस्तों चलिए एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है मेरी। तो आज आए हुए हम भीमताल पे, तो आपको देखते हैं नैना ऑप्टिकल्स, यानी कि आज भाई को अपना स्पेक्स बनवा रहे हैं। तो भाई यहाँ पर आया है, तो देखते हैं उसके स्पेक्स बनता है तो आप लोग को दिखेंगे, और थोड़ा बहुत आज भीमताल के बाद आप लोग को दिखाने वाले हैं। तो ब्लॉग को आने में से एंड मत कर देना, बने रहिएगा ब्लॉग पे। चलते हैं अंदर, पहुँच चुके हैं शॉप के अंदर। आप लोग देखते हैं यहाँ पर कई ज़्यादा फ्रेम रखे हुए हैं उन्होंने स्पेक्स के, और काफ़ी यूनिक मॉडल आप लोग यहाँ पर दिखेगा। तो भाई गया भाई भी अंदर, तो जहाँ पर उसका आइस टेस्ट चल रहा है, यानी कि उसका नंबर निकल रहा है अभी। पहले मैं आपको यहाँ का थोड़ा बहुत दिखा दूँ, यहाँ न्यू पैटर्न यहाँ पे स्पेक्स के सारे फ्रेम रखे हुए हैं, और चारों तरफ आप लोग देखते हैं कि चश्मे के ही पैटर्न आपको दिख रहे होंगे, वो भी न्यू फ्रेम में। और भाई का भी यहाँ पे चल रहा है अंदर मशीन पे, आप लोग देखते हैं नंबर निकल रहा है भाई का, ये जो चल रहा है भाई का। अभी देखा जाए कि कौन सी आँख कितनी कमज़ोर है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर निकाला जाता है। तो भाई उस साइड पर बैठा हुआ है, आप लोग को दिख रहा होगा। तो अब देखते हैं भाई नेक्स्ट चॉइस कौन सा फ्रेम चूज़ करता है। फ्रेम तो कई ज़्यादा है यहाँ पे, अब चॉइस उसकी रही। तो फाइनली भाई का नंबर निकल चुका है, तो अब फटाफट भाई यहाँ पे फ्रेम चूज़ करता है, उसके बाद ही उसके अंदर लेंस पड़ेंगे। तो देखते हैं भाई कौन सा फ्रेम चूज़ करते हैं यहाँ पे। ये भी यहाँ पे चेकिंग कर रहा है फ्रेम, तो मुझे यहाँ को चेक करा, फिर मैं बताऊँगा वीडियो में देख के। इधर को देख, ये बेस्ट लगा ये वाला, नहीं बिल्कुल एकदम फिट है। इन्हें डिसाइड कर लिया है कि ये वाला फ्रेम भाई यहाँ पे लेगा, तो हाँ तो बस यही बेस्ट है। तो भाई अभी फिर से यहाँ पे फ्रेम को देख रहे हैं, बट जितने फ्रेम भाई यहाँ पे देखेगा उतना कंफ्यूज होगा, बट मुझे यही सही लगा भाई के फेस पे। भाई ने यहाँ पे अपना जो स्पेक्स है वो दे दिया है, तो देखते हैं कल मॉर्निंग तक आके लेके जाना पड़ेगा हमें। हम शॉप से बाहर आ चुके हैं, तो चलिए थोड़ा बहुत आपको भीमताल की मार्केट दिखाते हैं, और थोड़ा बहुत यहाँ पे जो हमें मस्ती करनी है थोड़ा बहुत अपना टाइम पास भी करते हैं, उसके बाद निकलते हैं घर को। थोड़ा बहुत आप लोग को हमने दिखा दिया कि भाई ने अपना स्पेक्स जो है वो सिलेक्ट कर दिया है। तो अब देखो यार कल मॉर्निंग तक फिर हमें आना पड़ेगा, क्योंकि जो भाई की लेंस है ना वो काफ़ी हैवी है, तो अभी यहाँ पर वो पॉसिबल नहीं है मिलना। तो जो सर थे उन्होंने बोला कि मॉर्निंग पे कल हल्द्वानी से लेके आएंगे, उसके बाद ही स्पेक्स बनेगा। तो जब फाइनल लुक पर आता है स्पेक्स भाई का, फिर दिखाते हैं आपको कि भाई कैसा लग रहा है। वैसे आपने फ्रेम तो देख ही लिया है, बस उसमें लेंस लग रहे हैं भाई की, ज़्यादा कुछ डिफरेंट होगा नहीं स्पेक्स में, तो बस वही है। तो बस देखते हैं अभी आगे की एक्टिविटीज़ होती है। भीमताल की मार्केट है, आप लोग को दिखी होगी यहाँ पर, एकदम लंबी चौड़ाई कम है बट लंबाई है मार्केट की काफ़ी अच्छी। तो अभी हमने यहाँ से कुछ शॉपिंग करनी है नहीं, तो फिलहाल जो हमारा मेन मोटिव था वो स्पेक्स का था, वो हमारा डन हो चुका है। तो आप लोग को थोड़ा बहुत दिखा दूँ मार्केट यहाँ की। बरातों के सीज़न में आप लोग देखते हैं दूल्हे की कार यहाँ से जाते हुए। अभी हमने डिसाइड किया कि अब हम जाएंगे भीमताल, यानी कि आपने नैनीताल सुनाई है उसी से रिलेटेड भीमताल है, ये भी तालों के लिए फेमस ही है। वैसे नैनीताल, भीमताल, सात ताल, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ताल है, तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं भीमताल। तो अभी चल रहे हैं थोड़ा आगे है यहाँ से, तो मिलते हैं अब ताल पे, वहीं की मस्तियाँ दिखाते हैं कुछ आप लोग को। तो हम पहुँच चुके हैं भीमताल, तो बस कुछ वेट और करना पड़ेगा आपको। वैसे ही आपको ताल नहीं दिखाया जाएगा ब्लॉग में, आपको थोड़ा आगे तक मेरे साथ चलना होगा, उसके बाद ही आपको ताल दिखाया जाएगा। काफ़ी लंबा ताल है कि कुछ एक अलग पहचान है, यानी कि ऊपर बना एक होटल है, तो उसके अगर आप लोग को मैं दिखाऊँगा, काफ़ी आगे जाना पड़ेगा उसके लिए मुझे। तो देखते हैं अभी क्या दिखाते हैं आपको, पहले मैं आपको यहाँ से ताल का व्यू दिखा दूँ। कटिंग आप लोग को दिख चुकी होगी, यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी फिश, आई गॉड मज़ा आ गया भाई। आप लोग देख सकते हैं
कितना प्यारा सीन यहाँ पे फिश का आ रहा है। ताल के आसपास कितनी प्योर सी हवा चलती है और ताल आप लोग को दिखा, आप लोग देखते हैं आपकी नज़रें जहाँ तक जाएगी आपको वहाँ पे ताल दिखेगा। आप लोग को मैं यहीं से जूम करके दिखा दूँ आप लोग को जो ये दिख रहा है पॉइंट, तो ये ताल के ऊपर बना एक होटल है, यानी कि इसमें बोटिंग करके जाना पड़ता है और बोटिंग करके ही आना पड़ता है। तो देखते हैं अगर वहाँ पे जाना हमारा पॉसिबल हुआ अभी, अदरवाइज़ तो पॉसिबल नहीं होगा जहाँ तक मुझे लगता है। बट आप लोग यहाँ से ताल का व्यू देख सकते हैं, क्या ही मज़ा आ रहा है। ताल, भीमताल, सात ताल, ये तो यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, यानी कि हल्द्वानी से जो आते हैं टूरिस्ट वो नैनीताल और भीमताल यानी कि सात ताल इन प्लेस में होके तो जाता ही है। तो आप काफ़ी टूरिस्ट प्लेस है और काफ़ी बढ़िया एरिया है। आप लोगों ने भाई मुझसे भी सुना ही होगा कि ताल के आसपास मतलब ताल के नियर पे कितनी एकदम शुद्ध हवा चलती है, मतलब काफ़ी सुकून सा मिलता है यहाँ पे आके। यार आप लोग देख सकते हैं और माहौल तो यार दोस्तों कहते ही व्यू तो आप लोग देख सकते हैं कितना तगड़ा वाला आ रहा है। तो देखता हूँ अभी आगे चलता हूँ आप लोग को लेके। मैं पॉइंट पर रुके हुए थे तो यहाँ से फोटो शूट चल रहा था, तो भाई एक अंकल की फ़ोटो क्लिक कर रहा है, तो इसके बाद हम नीचे जाएंगे वापस भी काफ़ी अच्छा सीन आएगा ताल का। तो अभी तो फिलहाल भाई वहाँ पर फोटो क्लिक कर रहा है क्योंकि भाई थोड़ा बेस्ट क्लिक कर रहा है ना, तो चलते हैं इसके नीचे जहाँ से और अच्छा व्यू आने वाला है। तो बस मैं यहाँ से नीचे को जाऊँगा, यहाँ से ये गेट आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ से टर्न लेना है, तो यहाँ पे से लेते हैं थोड़ा बहुत पिक्स। ताल का व्यू आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ से पेड़ और काफ़ी सुंदर यहाँ पर ताल का सीन आता है। हमने आपको यहाँ पर से बोटिंग करते हुए दिख चुके होंगे, तो काफ़ी मज़ा आता है बोटिंग करने में भी, बट अभी हमारे पास टाइम नहीं है इस वजह से हमने बोटिंग करी नहीं है। बट ताल के नज़दीक आओ और बिना बोटिंग के जाओ ना, ये तो कोई मज़े वाली बात नहीं है। तो कितना मज़ा, कितना आनंद ले रहे हैं वो वहाँ पर देख सकते हैं आप, फुल इन्जॉय है उनका। देखते हैं ये रहा वो पॉइंट जो कि ताल के ऊपर बना हुआ है होटल, तो यहाँ पर से बोटिंग करके ही जाना पड़ता है और बोटिंग करके इधर आना पड़ता है, तो यहाँ पर जाना इम्पॉसिबल है। ये है ना भाई, ये है ना, ये क्यों, हाँ सेंटर तो लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा, बीच पे है, उसके पीछे भी है ताल है? तो यहाँ पे जाना भी इम्पॉसिबल है। तो आप लोग को मैंने यहीं से दिखा दिया है, बट आप आइएगा तो यहाँ पे ज़रूर जाइएगा, काफ़ी अच्छा सीन आता है यहाँ पे, मतलब काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है यहाँ पे जाके। तो अभी हम चलते हैं घर को, यहाँ से बैग ले लिया है क्योंकि हमने कुछ काम करने घर के, तो आगे आपको ब्लॉग में हमारे दिन की क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है वो तो देखने को मिली जाएगी। बट यार ताल के नज़दीक आके हमने वो मिस कर दिया वो पॉइंट जिसके लिए हम यहाँ पर आए हुए थे, बट हम मेन आए हुए थे भाई के स्पेक्स बनाने के लिए, वो हो गया है बट मिलेगा कल। तो अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ को। दोस्तों अब भीमताल से उतर के हम आ चुके हैं घोड़ाखाल वाली रोड पे। आप लोग को मेरे पीछे जो दिख रहा होगा ये भवाली का हॉस्पिटल, तो काफ़ी अच्छा व्यू आप लोग को यहाँ से भी दिख रहा होगा। और ये जो रोड जा रही है ये शामखेत को जाती है, और जिस रोड में अभी हम हैं ऑन द वे ये घोड़ाखाल वाली रोड पर, इसी रोड पर आगे जाके हमको यहाँ पर काम है। तो आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना यार, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं चल रहे ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय बाय।